भाजपा का योगदान समारोह कार्यक्रम शुक्रवार को फतेहपुर में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो और जिला अध्यक्ष सुमित सरन मौजूद रहे। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ युवा नेता गौतम महतो और राजेश प्रसाद मंडल के अलावे जिला परिषद प्रतिनिधि अजय मंडल के नेतृत्व में विभिन्न गांवों के अनेकों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इस अवसर पर बारी बारी से मंचासीन नेताओं ने भाजपा का पट्टा पहनाकर सबको अपनाया। कार्यक्रम में एक मत होकर नाला विधानसभा से भाजपा को जीत दिलाने का संकल्प लिया। अपनी सरकार बनेगी तो ये जो आपका मजी हराम नाइसी गुडेब नाइसी गुडेब पराना परगना ये जो लेखा हो रहा है इसका सम्मान राशि बढ़ेगा। हमारी सरकार बनेगी तो हर आदिवासी गांव के सामने एक माफला ओड़ा यानी शादी भवन बनेगा। हमारी सरकार बनेगी हम आदिवासी गांव में पिलचू हराम और पिलचू बूढ़ी जो संथाली संस्कृति के जनक हैं, जिनके संतान होते हैं बारह पारिश वाले किसकू बेसरा टूटू मरांडी मुर्मू बेद ये तमाम बारह टाइटल वाले ये पिलचू हराम और पिलचू बूढ़ी के सम्मान में गांव में जो मांझी थान है वो मॉडल मांझी थान बनेगा। उसमें लाइब्रेरी होगा, खेल का सामान होगा, संस्कृति अनुष्ठान के लिए तमाम चीज को हम सजाएंगे। और इस बार पार्टी ने नारा दिया है विभाग में ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसे डॉक्टर्स को विलेज प्रैक्टिशनर को रिमेडियल एंड रिकरेंट ट्रेनिंग के माध्यम से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेंड करके और इन उप स्वास्थ्य केंद्रों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाल करना ये मेरे दिमाग में स्वास्थ्य पर है। मेरे दिमाग में ये स्वास्थ्य पर है कि जो हमारी बेटियां क्लास टू इन बायोलॉजी करती है ऐसी बेटियां हमारा एंटीबोनम आपका ब्लड फ्लूड का चढ़ाना और तमाम नर्सिंग का जो काम होता है हम वैसे बेटियों को ट्रेनिंग देकर और नर्स में बहाल करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल के माध्यम से। ये मेहनत की जरूरत है। रवि महतो से लड़ाई नहीं है, हम कितना वोट से जीतेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। हमारा वोट जैसे आप लोग फतेहपुर से माता बाबू को आगे बढ़ा देंगे तो हम लोग नाला में पीछे नहीं हटेंगे। वर्तमान विधायक को घर से निकलने के लिए सोचना पड़ेगा। काम बीजेपी आपको मैं आपको वचन देता हूँ खाली आप फतेहपुर से आगे बढ़ाइए नाला के लिए आप चिंता मत कीजिए। माधव चंद्र महतो को विजयी दिलाएंगे इस संकल्प के साथ जाना पड़ेगा। भाई जान का घर 500 कदम की दूरी पर उपस्थित है, वो कभी नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता है जो एक कैंडिडेट केदार मेरे साथ रहे, क्योंकि हम जानते हैं वो कभी भी बोलता है आप लोग वोट नहीं दिया है, आप लोग बोल के संबोधन कभी नहीं जानता नहीं है।